ये लैपटॉप आया मेरे पास एच पी का 745। इसका मसला ये है कि जब इसको प्लग इन करते हैं तो ये देखने ये चार्जिंग की लाइट है और ये प्लग इन किया ये लाइट बंद हो गई। ये प्लग इन किया लाइट बंद हो गई। तो मैंने इसे खोला था तो आपको दिखाते हैं इसका क्या मसला क्या हुआ है। ऑलरेडी से खोला हुआ है। अच्छा, इसके अक्सर ना लैपटॉप के अंदर स्क्रू वगैरह रह जाते हैं जो ब्रांडेड लैपटॉप होते हैं, क्योंकि ब्रांडेड लैपटॉप में हार्ड रैम जो होलसेलर होते हैं वो हार्ड रैम निकाल लेते हैं और बाय स्पेक के हिसाब से लैपटॉप सेल करते हैं। तो उससे ये होता है कि अक्सर स्क्रू वगैरह ना लैपटॉप के अंदर ही रह जाते हैं जिसकी वजह से अक्सर लैपटॉप शार्ट हो जाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि इसके साथ हुआ क्या है। ये देखिए ये स्क्रू है जो ये स्क्रू है और ये एक पॉजिटिव के साथ अटैच हुआ एक नेगेटिव के साथ, मतलब कि इसके जो 19 वोल्ट हैं वो शार्ट हो गए हुए हैं जिसकी वजह से ये लैपटॉप शार्ट हो गया है। तो ये देखिए इसे उतारते हैं, ये उतार दिया। अच्छा, अब इसे बंद करके मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से वो जल भी गई है पिन वगैरह ना, तो ये देखिए तो इसे बंद करके मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ऐसा फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है कि इस तरह लैपटॉप शार्ट हो। अक्सर अवकात लैपटॉप के 745 हो गया 840 मुख्तलिफ लैपटॉप होते हैं जिनमें ये मसले आते हैं शार्टेज के, तो उनके अक्सर पीएफ शार्ट होते हैं और आईसी वगैरह भी शार्ट हो जाते हैं इनके। पर ये फर्स्ट टाइम मेरे पास मसला है तो ये इंशाल्लाह सॉल्व हो गया है।